Assalamu alaikum my dear students, welcome to studyhigh.pk and subscribe keeping contact for more videos and update. Jaisa ki maine aapko last video mein bataya, is video mein proof ke saath tulba ka jo sa issue hai usko hum raise karenge. Aapne bahut help ki last video ke upar bhi, kafi tulba ka problem aa raha hai aur hum aapke saath hain. Hum is video mein mazid jo tulba ki queries hain, jo tulba ki problems hain jinki wajah se wo pareshan hai result ko dekhkar, hamara haq hai unko buland karna. पहली बात इसमें एक ये चीज़ डिस्कस करेंगे, दूसरा मेरिट कहाँ तक आ सकता है. अब काफ़ी तलबा का ये क्वेश्चन है मेरिट क्या होगा, इसको भी डिस्कस करते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात कि काफ़ी तलबा को ग्रेस मार्क्स नहीं मिले 90%. अगर पीएमसी ने जैसा कि अली रजा साहिब ने कहा था कि जो एमसीक्यू एम्बिगस होगा आपकी बुक से नहीं होगा उसको हम रिमूव कर देंगे, अगर आपने रिमूव कर दिया सो आपके गज़ट में जिन तुलबा के 197 मार्क्स हैं 196 532 उनके 14 मार्क्स आपने रिमूव नहीं किए, बाकियों के कर दिए. अगर उनके भी 14 मार्क्स आपने रिमूव किए होते सो हो इट इज़ पॉसिबल कि एक स्टूडेंट के 14 मार्क्स डिडक्ट होने के बावजूद उसके 197 कैसे आ सकते हैं. सो पहला हमारा ये क्वेश्चन था. दूसरा कुछ तुलबा का ऑब्जेक्शन आ रहा है कि उनका एबसेंट आ रहा है. रिजल्ट कार्ड में पीएमसी ने भी नम्स जैसा काम किया. मैंने कल एक वीडियो में आपको बताया था कि मुझे समझ नहीं आ रही पाकिस्तान मेडिकल कमीशन एक दिन के अंदर किस तरह से एमसीक्यूज को रिमूव करके रिजल्ट को कैसे कंपाइल कर लेगी, जब आप कोर्ट के ऐसे बचने के लिए एक ही दिन में सब कुछ करते हैं और रात के 12-1 बजे आप रिजल्ट अपडेट करते हैं ताकि सुबह केस है, तो फिर ऐसी गलतियाँ होती हैं. आपने बेशुमार तलबा का ये आर्डर है उनका एबसेंट आर्डर है जबकि वो पेपर में अपेयर हुए थे. सो अगर इनमें से कोई एक स्टूडेंट भी कोर्ट चला गया तो पीएमसी वाले क्या करेंगे. पीएमसी को चाहिए कि फौरी एक्शन ले, रिजल्ट को जो भी है इसका सलूशन निकाले, या तो सबके डिटेक्ट करे कि सबके 14 मार्क्स और कम अज़ कम शो करे. तलबा की डिमांड यह है कि और हमारी भी डिमांड है कि अपने साइट के ऊपर शो किया जाए कि ये वाले एमसीक्यूज हमने रिमूव किए हैं, ये वाले नहीं किए. एक ये बात और दूसरी ये बात भी क्लियर करें कि जो तलबा री चेकिंग करवाना चाहते हैं, जैसा कि आपने बहुत ही कॉन्फिडेंट तरीके से कहा था, अगर किसी तलबा को फिर भी प्रॉब्लम होगी हम उसको बुलाएंगे, उसका पेपर उसके सामने रखेंगे. अब रखें ना, अब नहीं रखना तो कब रखना है. वो रीचेकिंग का भी ओपन करें सीन ताकि तलबा सेटिस्फाई हो सकें अपने रिजल्ट से. तो एक ही चीज़. तीसरा मेरिट के बारे में तलबा पूछ रहे हैं मेरिट का क्या होगा. तो जैसा कि 90% तलबा का जोन सा कहते हैं जी उन्होंने 14 मार्क्स डिडक्ट कैंसिल किए हैं, निकाल लिए हैं, डिडक्ट किए हैं, तो इससे ये होता है कि जाहिर बात है कम है एमसीक्यूज के मार्क्स, तो फिर ऑटोमेटिकली यही बात है कि मेरिट डिक्रीज होगा. और अगर 2019 और 20 को कंपेयर करें तो ऑटोमेटिकली मेरिट डिक्रीज होगा क्योंकि, लेकिन एक और बात है, मेरिट लास्ट ईयर की नस्बत डिक्रीज हो सकता है इस रिज़ल्ट की बेस पर, लेकिन एक और अहम चांसेस हैं. अगर लोवेस्ट मेरिट, अगर हाईएस्ट मेरिट होता है 91 तो लोवेस्ट 90 के ऊपर ही ख़त्म हो जाएगा क्योंकि 14 सबके निकाल दिए, बाकी एमसीक्यू रह गए एफएससी में अच्छे खासे. सो अगर मेरिट स्टार्ट होता लास्ट ईयर 94 से, ये 91.5 पे 3 पॉइंट के अंदर तलबा कवर होते थे, इस बार ऐसा होगा कि एक एक डेसिमल के ऊपर बेशुमार तलबा आ सकते हैं, इसके चांसेस नज़र आ रहे हैं क्योंकि जिस तरह का उन्होंने पेपर लिया और बाद में जैसे डिटेक्ट किए हैं मार्क्स, फिर ऐसी पॉसिबिलिटी है कि मेरिट कम तो होगा लेकिन जहां से स्टार्ट होगा वहां पर ही ख़त्म होने के मैक्सिमम चांसेस हैं. तो ये पहले आपको मैं बता दूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल इस रिज़ल्ट के ऊपर मैं ज़्यादा वर्क नहीं करना चाहता कहाँ पर मेरिट आएगा कहाँ पर जाएगा, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल जिन तलबा का इशू है एबसेंट आ रहा है, ग्रेस मार्क्स का इशू है, उसको क्लियर किया जाए फिर हम बात करेंगे मेरिट कहाँ पे जाएगा कहाँ पे आता है. सो इस वीडियो को भी लाइक कर दें, शेयर करें ताकि तमाम दोस्तों तक पहुँचे और वो इकट्ठे हो सकें अपने लिए, अपने ग्रेस मार्क्स के लिए. कम अज़ कम पीएमसी रेक्टिफाई तो करें ना चीज़ों को. सो होप यू बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेज फ्राम माई साइड. वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आप न्यू हैं तो, और वीडियो को शेयर करें. थैंक यू, अल्लाह हाफिज़.